कोई बुक हम एक बार पढ़ लें वो उसी में पूरी याद हो जाए, ऐसी टेक्निक क्या है वो मैं बताऊंगा। मैं काफी समय से वीडियो के इस मुकाम पर पहुंचना चाह रहा था जहां मैं आपको समझा सकूं कि जो प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें लिमिटलेस पोटेंशियल दिया है, हम उसका मैक्सिमम फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, वो टेक्निक मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी तक मैं आपको बताया है कि हमारे ब्रेन दो टाइप के हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। दोनों की कार्य प्रणाली को आपको मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम दोनों ब्रेन को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें, दोनों ब्रेन को एक साथ काम लेने की जो टेक्निक है वो वैदिक काल में विकसित हुई थी, अभी वैज्ञानिक काल में उसको दोबारा विकसित किया गया है। जो दोबारा विकसित किया है तो इसका नाम दिया है 5SQR। जो 5SQR है इसमें जो 5S है, पहले मैं उसके बारे में विस्तारित बताऊंगा। 5SQR में पहला S है सेट। हमको पढ़ाई कर शुरू करने से पहले क्या तैयारी करनी, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा S है सेलेक्ट। हमको कितनी देर में कितनी पढ़ाई करनी है, इस चीज का सिलेक्शन करना जरूरी है। तीसरा है सर्वे। सर्वे में क्या है कि हमको जो चैप्टर हमको पढ़ना है उसकी हमको सर्वे करना क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। चौथा है स्ट्रक्चर। जो हम पढ़ाई करते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो उसको क्या है एक ढांचे का सहारा देके हम उसके माध्यम से हम याद रखें, तो इसको बाद में हम विस्तारित से बात करेंगे। पांचवा है सोलिडिफाई, यानी हम जो पढ़ाई करते हैं उससे हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनते हैं, वो पैटर्न हमारे शरीर के, हमारी पढ़ाई के लिए कितने कारगर हैं इस पे चर्चा करेंगे और वो कैसे तैयार होते हैं। दोस्तों हम अब पहला एस सेट, सेट पे विस्तारित चर्चा करेंगे। सेट का मतलब है हम पढ़ाई से पहले क्या तैयारी करें, हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं उससे पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। पहला है माइंडसेट, दूसरा है ब्रेन सेट, तीसरा है बॉडी सेट, चौथा है हमारा सेंस सेट, यानी हमारी इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम यूज ले सकते हैं, और पांचवा है प्लेस सेट, यानी एक जगह पर बैठ के पढ़ना क्यों जरूरी है, और छठा है टाइम सेट, एक निर्धारित समय पर पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। जब ये सारी चीज अच्छी तरह सेट हो जाती हैं, तो हम फिर अनएक्सेप्टेड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने चर्चा किया था कि माइंड सेट और ब्रेन सेट, तो दोस्तों हम आम बोलचाल की भाषा में माइंड और ब्रेन दोनों एक ही समझते हैं, दोनों चीज एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। माइंड का मतलब होता है अपना मन, ब्रेन का मतलब होता है अपना मस्तिष्क। अक्सर देखने में आता है बच्चों का माइंड, ब्रेन और बॉडी जब पढ़ाई के लिए तैयार नहीं होते हैं तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। बच्चे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो बच्चों को नींद आने लग जाती है, बच्चे जल्दी सो जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं जब उन पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माइंड, ब्रेन और बॉडी को तैयार करना बहुत जरूरी है। माइंड सेट कैसे करें, अभी तक जो रिसर्च हुआ है वो बताते हैं कि माइंड सेट करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहला, मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। दूसरा, क्यों करना है, व्हाई डू। ये दो प्रश्नों का जब हमको उत्तर मिल जाएगा तो हमारी एकाग्रता बनने लग जाती है। जब ये दो सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्यों करना है, यानी मेरा लाइफ का गोल क्या है, जो मेरा गोल है वो मुझे क्यों अचीव करना है। जैसे उदाहरण से मैं बताता हूं,
मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है तो क्यों बनना है, मेरे को आईएएस बन के क्या करना है, ये हमारा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए हमारी एकाग्रता बनेगी। जब विद्यार्थी इन दो प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस क्यों बनना है, जब इन दो सवालों के जवाब बच्चों के पास नहीं होते हैं तो क्या है, बच्चे धीरे 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 बच्चों का पढ़ाई से मन हटता जाता है, उसके पास एक कोई गोल नहीं है, चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। इमोशनल रीजन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये भावात्मक कारण स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे भावात्मक कारण स्पष्ट नहीं होते हैं तो हमारे मन को पढ़ाई में डांट पाना बड़ा मुश्किल है। जब इस दोनों प्रश्नों के हमको जवाब नहीं मिलते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं टिकता है। पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चों की रुचि के अनुसार उनका माइंड सेट करें कि इनको भविष्य में क्या करना है, जो करना है वो क्यों करना है, जब ये बड़े होंगे तो उनका हमारे समाज में कितना बड़ा नाम होगा, इसका हमारे देश में कितना बड़ा नाम होगा, विश्व में भी इसकी पहचान होगी। इस तरह की यदि पिक्चर आज हम बच्चों के मन में क्लियर कर देते हैं तो वही उनका एक थॉट बन जाता है, उसका एक गोल बन जाता है, उसके ऊपर काम करने के लिए बच्चों के पास एक टारगेट मिल जाता है। तो पेरेंट्स का भी ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि आज ही बच्चों को, बचपन में ही बच्चों को उसके माइंड में उसका गोल सेट कर देना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे शेयर सब्सक्राइबर एंड लाइक जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि बच्चों को ये ज्यादा दिखाओगे तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और पेरेंट्स को भी ये दिखाएं तो जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें।